हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक मे बी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को। फ्रेंड्स, फिलहाल बेल्टोन के पास अभी अधियाचना कितनी जा चुकी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बेल्टोन के पास जितने भी अधियाचना है इसमें सभी पास आउट अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी अधियाचना बेल्टोन को भेजा गया है और न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो जितने भी बेल्टोन के पास आउट अभ्यर्थी हैं बचे हुए पैनल में, और जो बेल्टोन डीओ न्यू रजिस्ट्रेशन की वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। यह वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए कि कल 13 तारीख है, यानी कल क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कल 13 तारीख है, यानी कल 13 तारीख को बेल्टोन ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपके मन में अगर यह सवाल है कि क्यों घेराव कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेल्टोन के बाद बहुत सारी अधियाचनाएँ गई हुई है जिसमें बेल्टोन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। बेल्टोन अपना काम बहुत धीरे कर रही है। बेल्टोन के पास अधियाचना होते भी यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, लोग बेरोजगारी का मार खा रहे हैं और इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर हम लोग बात करें तो बेल्टोन की, तो बेल्टोन के पास टोटल अभी 2000+ अधियाचना जा चुकी है। आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ कहाँ से और किस विभाग से बेल्टोन को 2000+ अधियाचना जा चुकी है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, बेल्टोन के घेराव करने का मकसद यही है। घेराव करने से आप लोगों को दो फायदा मिलने वाला है। पहला तो सभी पास आउट कैंडिडेट का यहाँ पे ज्वाइनिंग जल्द हो जाएगा, और दूसरा फायदा होने वाला है सबको ज्वाइनिंग देने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन निकलेगी। ठीक है, जब सबको ज्वाइनिंग दे देगी फ्रेंड्स, तो बेल्टोन के पास पैनल में अभ्यर्थी नहीं बचेगी, तो उसके बाद वो न्यू रजिस्ट्रेशन निकालेगी। फ्रेंड्स, बेल्टोन के पैनल में कोई नहीं बचेगा तो बेल्टोन न्यू रजिस्ट्रेशन निकालेगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक अनुमान के साथ बता रहा हूँ। बेल्टोन के पैनल में अभी 2500 से लेकर 3000 तक पास आउट बचे हुए हैं कैंडिडेट। ठीक है, और बेल्टोन के पास अभी 2000+ सीटों पर अधियाचना जा चुकी है, 3000 में बचेंगे टोटल 1000। आपको पता होना चाहिए कि बेल्टोन के पैनल में 250+ अभ्यर्थी पास आउट रहते हुए भी बेल्टोन 2018 को न्यू रजिस्ट्रेशन निकाली थी। यानी इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बेल्टोन लोगों का जो एग्ज़ाम लेकर पैनल तैयार करके रखती है। जैसे ही किसी भी विभाग से अधियाचना आती है, विभाग को जब भी मानव बल की आवश्यकता पड़ती है तो वो बेल्टोन से मांग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे विभाग को ज़्यादा इंतजार करना ना पड़े, इसीलिए बेल्टोन जो है लोगों का यहाँ पे एग्जाम लेकर पैनल तैयार करके रखती है कि जैसे ही अधियाचना आती है विभाग के कार्यालय को सेवा प्रदान करती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ बेल्टोन के पैनल में बहुत कम लोग बच रहे हैं, और दूसरा पंचायत में 8000 संसद रिक्त पदों पर जल्द ही कैबिनेट से सहमति मिलने वाली है। तो इससे फ्रेंड्स आप लोगों को शायद विश्वास हो गया होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अब आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन दूर नहीं है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस विभाग से कितना अधियाचना जा चुका है। तो यहाँ पर आप इस लेटर में अच्छी तरह से देख सकते हैं कितने अधियाचना बेल्टोन को भेजी गई है। सबसे पहले मद निषेध में आप देख सकते हैं, अभी क्या है फ्रेंड्स कि अभी हर जिले में 10 लोगों को मद निषेध में ले रहा है। इस महीने के अंदर हमारे किशनगंज जिले में 10 लोगों को मद निषेध एवं उत्पाद विभाग में दिया गया है, जिसमें कि डे एंड नाइट दोनों मिला के जिसमें 8-8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, 8 घंटा नाइट को 8 घंटा डे। यहाँ पे 38 जिले में 10 सीट मद निषेध का है,
38 और 10 को यहाँ पे गुना करेंगे तो 300, उसके बाद LRC में आपका 1170 है, उसके बाद PSED में 208 है, उसके बाद यहाँ पे नगर विकास में 276 है, उसके बाद पंचायती राज विभाग में 265 टोटल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद PM किसान में एक एक ऑपरेटर हर जिले में यानी कि 38, उसके बाद यहाँ पे टोटल हम लोग देखते हैं तो टोटल यहाँ पे 2337 यहाँ पे टोटल अधियाचना बेल्टों को अभी भेजी जा चुकी है। यहाँ बहुत कम लोग पैनल में बच रहे हैं जिसके लिए बेल्टन बहुत जल्द न्यू रजिस्ट्रेशन निकालने वाली है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेल्टन के पास कितनी अधियाचना जा चुकी है, साथ में न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स और एक बात, सबको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी और न्यू रजिस्ट्रेशन तभी शुरू होने वाली है जब आप लोग 13 तारीख को यानी कल बेल्टन ऑफिस में जो घेराव किया जा रहा है उसको आप सफल बनाओगे, तभी जाके आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग हो पाएगा सभी लोगों को एक साथ, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल बेल्टन ऑफिस पटना 9 बजे तक पहुँच जाएँ, ठीक है। इस बार आखिरी घेराव होने वाला है, सब लोगों को मैं बता दूं कि इसके बाद और कोई बेल्टन ऑफिस में घेराव नहीं करने वाला है। क्यों करेगा घेराव भाई साहब, जब सबका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कल के मुहिम को जरूर जरूर सफल बनाएं। फ्रेंड्स बस एक धक्का बेल्टन को और सबका बेलापार एक ही बार में हो जाएगा एक साथ। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।